जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत 2 मई को एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में किया जाना है, जिसमें लगभग 30,000 स्कूली बच्चे शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक विकास भवन के सभागार में किया गया, जिसमें कार्यक्रम की सफलता की रणनीति तैयार की गई तथा बैठक में मौजूद स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के उनके विचार मांगे गए। इस मौके पर सीडीओ ने कहा कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर लें, जिससे ज़िले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। बैठक में SDM सदर प्रथमेश कुमार, DIS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित विभिन्न स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य मौजूद रहे। जॉइंट मिनिस्टर डॉक्टर गुप्ता के आधार पर जो लैपटॉप लेके आई था, उसके आधार पर ये मतदाता जागरूकता का संकल्प पत्र तैयार किया जाना है, तो सबको दिया जाएगा। मेरा दो मकसद था, एक तो ये कि आप लोगों को हम पुनः बता दें कि उसके बारे में बताना हमारा उद्देश्य है। दूसरा यह है कि क्योंकि कैसे कर सकते हैं, किसी के पास कुछ आइडिया हो तो आप बताइए। दिव्यांग मतदाताओं की बहुत जरूरत है, तो कुछ लोगों ने कुछ फॉर्मेशन बनवाए, जैसे उन लोगों ने क्या किया कि सभी को कह दिया कि सभी लोग मतलब कुछ लोग उसमें व्हाइट टी शर्ट में आए थे, क्योंकि व्हाइट टी शर्ट या व्हाइट शर्ट तो बहुत कॉमन है मेरे ख्याल से सबके पास, सभी बच्चों के पास तो होता ही है। और कुछ जो लोग हैं जो जैसे व्हाइट कलर के बैकग्राउंड बन गया उन लोगों से, और शेष जो लोग हैं वो लोग इस तरीके के फॉर्मेशन में खड़े हो गए, वो ब्लैक टी शर्ट पहन के आए थे। ऊपर से जब फोटो खींचा गया तो वो सिर्फ एक व्हाइट बैकग्राउंड और एक लोगो की तरह आया, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। तो उसी को करे तो फिर वो लगेगा कि नहीं उन्होंने नकल कर ली, तो हम वो नहीं करना चाहते। लेकिन किसी के पास और कोई अच्छा आइडिया, जैसे कुछ लोग इंडिया के मैप के रूप में खड़े होते हैं, कुछ लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सिंबल के रूप में होते हैं, ये सब तमाम इस तरीके के आइडियाज हैं। आप मतलब प्रिंसिपल हैं काफ़ी सारे स्कूलों के, और क्रिएटिव एक्टिविटीज मेरे ख्याल से आप लोगों से ज़्यादा तो शायद ही कोई कराता होगा। तो क्या बच्चे आगे वहाँ पे वो जो भी आप क्रिएटिव आइडिया देंगे, एक या दो हम पहले वो करवा लेंगे, और बहुत बड़ी संख्या होती है। है किसी के पास कोई आइडिया बताइए कुछ कोई एक क्रिएटिव आइडिया दीजिए आप लोग, तो क्या किया है बाकी लोगों ने, क्या क्या किया है मैंने आपको बता दिया। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मतलब कम से कम ये स्थिति है कि हम ये कह पाए कि नहीं साहब ये हमारा ओरिजिनल आइडिया है। 30,000 बच्चों का आना एक आधे घंटे में इकट्ठा होना एक अपने आप एक चैलेंज होगा। दूसरा गर्मी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, काम करेगा। हम लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे, टाइम हम अपने हिसाब से वो भी डिसाइड कर लेंगे कि समय क्या रहेगा, हम चेंज उनका वेट करना पड़ेगा। फॉर्मेशन के लिए कुछ स्कूलों को टारगेट दे सकते हैं कि आपको यही करना है, आपको बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं ला रहा है, लेकिन आप फॉर्मेशन बना के जिनके स्कूल की ग्राउंड अच्छा है आप वहाँ प्रैक्टिस करा लीजिए, प्रैक्टिस कराने वाला बना के ले आइए, वो बच्चे अपने ड्रेस में होंगे, फॉर्मेशन करेंगे और वो पहले निकल जाएंगे अच्छे से। बच्चे बस उसी के लगे हुए खड़े हो जाते हैं तो वो फॉर्मेशन अच्छा बन जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा और माइंड से बस एक इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि जो भी आ रहे हैं वो उसी के हिसाब से खड़े हो जाए, तो वो तो बन जाता है। वो स्टेडियम ऑफिसर है।